हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर की मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी तो एक शख्स को ना छींक आई, ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। तो मैंने नमाज में कह दिया यरहमुकल्लाह, ये छींक आने का जवाब होता है, मैंने ये नमाज में कह दिया। तब बहुत सारे लोग मुझे घूरने लग गए, कुछ ने अपने हाथ भी मारे जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई और ये लफ्ज है हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते हैं ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है, हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए, नमाज में कोई और कलाम करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना उनके मिजाज में तलखी होती है बाज़ औक़ात, इल्ला माशाल्लाह, कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला के, तेनू आज तक नहीं पता नमाज है कि, ये आप दीन सिखा रहे हैं, ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लबो लहजा दीन सिखाने का, कतन ऐसा कोई काम ना करें। मैं तो ये मदारस के असातिज़ा से भी कहता रहता हूं, मैं कहता हूं नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा, आप बच्चों को डांटें करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाजत नहीं देता।